हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम जानते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद को आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 7 ही स्टार दिए हैं, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज अ सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी,
2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और ख़ासकर आज के डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रन मा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था, या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, एंड रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो
रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की, जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी तपस्वी पन्नू। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज, और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है, और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा भारती मतियानी, जो कि एज अ सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी, जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और खासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के
पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलते हैं उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक्स, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है गाने कुल छोड़ी। गाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रन मा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मोरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कतें आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 के बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मे यह मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज, और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर
और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखने लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा भारती मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और खासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम ये गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा
तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में एंड रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। जी फाइव के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 के बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पाटी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई
मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पनु होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक्स, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मोरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद को आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो को अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी, तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पनु ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पनु का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की। उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे
किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, ऐसे स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जिन्होंने एज अ यह मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी बनून मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पाटी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है कि यह मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और खासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत अवे सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम
जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित ये मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा भारती मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने
मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जी फाइव ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको जी फाइव पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था, या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो को अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज
ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। जी फाइव के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए हैं, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं यह मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज, और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है, और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी
अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक्स, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम जानते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी, तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था, और वहीं पर मिस मैचर्ड
एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन, आकाश खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी हद ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नजर आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी फनून मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नजर आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नए भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम जानते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए हैं, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था? तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी,
2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और खासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलते हैं उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है गाने कुल छोड़ी। गाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रन मा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मोरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था, या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद को आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, एंड रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा
इसकी जो रिलीज़ डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की, जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी तपस्वी पन्नू। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में, अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकाश खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकाश खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकाश खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मे या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज, और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकाश खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है, और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पाटी मतियानी जो कि एज अ सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और खासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के
पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक्स, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है गाने कुल छोड़ी। गाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रन मा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मोरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कतें आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद को आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 के बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर
और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखने लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा भारती मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और खासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत, अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम ये गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा
तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में एंड रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 के बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकाश खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकाश खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकाश खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकाश खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पाटी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है कि यह मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई
मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और खासकर आज के डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मोरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद को आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो को अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी, तो कौन कौन सी कंपनी थी। तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू, तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की। उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे
किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, ऐसे स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए, आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जिन्होंने एज अ यह मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी बनून मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पाटी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है। जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है, उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घाने कुल छोरी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत, अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम
जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम जानते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 के बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू हर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगे इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने
मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जी फाइव ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको जी फाइव पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था, तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है, या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी, और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है कि ये मूवी कुछ अलग तरीके की है, या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की, तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है, एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर, और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे, जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और खासकर आज की डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घानेकुल छोड़ी। घानेकुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था, या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी की जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज
ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। जी फाइव के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए हैं, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी। स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था एज और वहीं पर मिस मैचर्ड एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लन, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नज़र आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी पन्नू मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नज़र आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी
अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं, और खासकर आज के डेट में इस मूवी की जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो पाँच है। पाँच संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पाँच साउंड ट्रैक्स, पाँच संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है गाने कुल छोड़ी। गाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत। अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी, और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था, और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम। जिंदगी तेरे नाम में गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था, और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की, और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रश्मि रॉकेट मूवी की जानकारी। दोस्तों आज हम रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। रश्मि रॉकेट एक नई मूवी और एक नई भारतीय मूवी के तौर पर इसको हम देखते हैं और पहचानते भी हैं। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं रश्मि रॉकेट मूवी को रिलीज होने में क्या क्या दिक्कत आई? क्या रश्मि रॉकेट की मूवी कहानी सच्ची है? क्या इस मूवी के जो आधारित चीज़ें हैं वो एक ओरिजिनल चीज़ें हैं या फिर असली चीज़ें हैं? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? क्या मूवी देखने के बाद आपको आनंद मिलेगा, हर्ष मिलेगा, उल्लास मिलेगा? तो बने रहिए आप इस वीडियो का अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे रश्मि रॉकेट मूवी के बारे में, और रश्मि रॉकेट मूवी से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले। मूवी कब रिलीज हुई से लेकर मूवी के बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस कितना हुआ था, और साथ ही मूवी के लिए मेकर्स ने क्या खास तैयारी की थी, मूवी की स्टोरी कहाँ से आई थी यानी कि किसने लिखी थी, उसके साथ ही इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे, कौन है इस मूवी के फुल मेकर्स, किसने इस मूवी के लिए डायरेक्शन में पैसा लगाया, किसने एज अ प्रोड्यूसर लगाया था, साथ ही कौन कौन सी कंपनीज थी जो कि रश्मि रॉकेट मूवी को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली सी थी, या फिर कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना चाहती थी। तो कौन कौन सी कंपनी थी, तो रश्मि रॉकेट के बारे में आपको यहाँ पर कई सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मिलेगी क्या आपको मैं यहाँ पर बताने भी वाला हूँ। Zee5 के माध्यम से आप इस मूवी को आप देखना चाहे तो देख सकते हैं आज की डेट में। IMDb ने इस मूवी को 7 में से 10 में से 7 ही स्टार दिए है, यानी कि IMDb इस मूवी को काफ़ी अच्छा मानती हुई नज़र आएगी हमें। उसके अलावा इसकी जो रिलीज डेट है वो एग्जैक्टली 15 अक्टूबर 2021 को बताई जाती है। उसके अलावा बात करेंगे और कुछ चीज़ों की और कुछ हिस्सों की जहाँ पर इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें नज़र आएंगी। तपस्वी पन्नू ने मूवी के अंदर मुख्य भूमिका में काम किया हुआ नज़र आएगा। तपस्वी पन्नू का रोल हमें इस मूवी में जो देखने को मिलता है वो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर उनका रोल इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है या फिर मिलता है। तो कुल मिलाकर उनका रोल तो आप कभी भी नहीं भूल सकते, उनके रोल को हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलने वाला है, और आपको उनका रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको कह सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कुछ और स्टार कास्टिंग की, उसके अलावा मूवी के और भी कई सारे किरदार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रश्मि रॉकेट के बारे में अब विस्तार से जानकारी को हासिल करना। रश्मि रॉकेट एक 2021 की बनी हुई एक भारतीय और एक हिंदी भाषा की स्पोर्ट के ऊपर आधारित एक मूवी थी, स्पोर्ट ड्रामा मूवी थी, एज अ स्पोर्ट के जुड़ी हुई है मूवी थी। इसके डायरेक्टर का नाम आकर्ष खुराना था, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। आकर्ष खुराना के बारे में थोड़ा विस्तार से जाना जाए तो आकर्ष खुराना एक मुंबई से बिलोंग करने वाले एक डायरेक्टर है, जो कि इससे पहले एक्टर के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने एज अ मैं या मेरी फैमिली में एक्टिंग का काम भी कर चुका था, और वहीं पर मिस मैचर्ड
एंड क्रिश मूवी के अंदर सपोर्टिंग स्क्रीन प्ले राइटर का भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा बात की जाए मूवी के दूसरे कुछ लोगों की, तो जहाँ पर हमें राइटर के तौर पर कनिका ढिल्लों, आकर्ष खुराना, अनिरुद्ध गुहा और लीशा बजाज के जैसे नाम अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। वहीं पर स्क्रीन प्ले की तौर और हमें देखे जाए तो अनिरुद्ध गुहा ही हमें वहाँ पर भी नजर आएंगे। इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो नंदा ने इस मूवी की स्टोरी को लिखने का काम किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इस मूवी की स्टोरी को लिखा हुआ हमारे सामने रखा हुआ है। एडिटिंग की बात कीजिए तो एडिटिंग में हमें मूवी के देखने को मिलेंगे अजय शर्मा, श्वेता वेंकट मैथ्यू पर आपको मूवी के अंदर ज़्यादातर एडिटिंग के तौर पर नज़र आती है। काफ़ी अच्छी एडिटिंग उन्होंने आज तक मूवीज़ की है और इस बार भी वही नजर आएगी। स्टार्टिंग में तपस्वी फनून मुख्य भूमिका के साथ काम करती हुई नजर आएगी। सिनेमाग्राफी की हम बात की जाए तो नेहा पार्टी मतियानी जो कि एज ए सिनेमाग्राफर होंगी इस मूवी के लिए। प्रोडक्शन कंपनी RSVP मूवीज़ और मैंगो पीपल मीडिया नेटवर्क का हमें देखने को मिलेगा जो कि प्रोडक्शन कंपनीज के तौर पर होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएंगे Zee5 वाले, जहाँ पर Zee5 वालों ने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स Zee5 ने खरीदे हुए हैं इस मूवी के लिए। मूवी आपको Zee5 पर भी देखने को मिल सकती है। रिलीज की तारीख मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इस मूवी का रनिंग टाइम कितना था तो मूवी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, 2 घंटे की ये मूवी है लेकिन 2 घंटे में 9 मिनट और भी हम जोड़ सकते हैं। इसमें भी कई सारे संगीत, कई सारे सॉन्ग्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी लंबी मूवी की कहानी वगैरह इस मूवी के अंदर है या फिर मूवी काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आएंगी। मूवी स्पोर्ट्स से और स्पोर्ट ड्रामा के ऊपर पूरी तरह से आधारित अवलंबित नज़र आएगी और स्पोर्ट ड्रामा मूवी के तौर पर हम इसको आने वाले टाइम में देखने वाले भी है। रश्मि रॉकेट नाम से आपको पता चलता है ये मूवी कुछ अलग तरीके की है या फिर कुछ अलग हिस्से मूवी के अंदर हमारे सामने रखे जाएंगे या फिर रखे भी गए हैं। बात की जाए और कुछ हिस्सों की तो मूवी की स्टार कास्टिंग कई मायनों में खास थी, कई मायनों में इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि मूवी के अंदर तपस्वी पन्नू होंगी जिन्होंने मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया है। उनका नाम मूवी के अंदर रश्मिका दिखाया जाता है एंड उनका मुख्य भूमिका वाला काम भी मूवी के अंदर ही हमारे सामने रखा गया है। उनका रोल को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इस मूवी के अंदर और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम भी किया हुआ है। एज अ लीड एक्टर के तौर पर मूवी में कोई भी मेन लीड एक्टर नहीं है, जो भी एक्ट्रेस है वो सभी एज अ लीड एक्ट्रेस के ऊपर ही इस मूवी की कहानी वगैरह आधारित हमें देखने को मिलेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इस मूवी की कहानी को अपने थ्रू या फिर अपने तरफ से निभाने की कोशिश की है और आपको काफ़ी ज़्यादा उनके एक्टिंग वगैरह देखने के बाद काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। मूवी के संगीत की बात करेंगे, मूवी में कई सारे संगीत थे, कई सारे साउंड ट्रैक्स थे जो कि मूवी को एकदम सा अलग या फिर एकदम सा खास बना देते हैं। संगीत के लिए इस मूवी को कई सारे लोगों ने पसंद भी किया हुआ हम कह सकते हैं और ख़ासकर आज की डेट में इस मूवी के जो संगीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंग हद तक सुने भी जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा लोग संगीत को सुनना मूवी के पसंद भी करते हैं। तो आइए बात करते हैं मूवी के संगीत की। तो मूवी के अंदर हमें जो संगीत देखने को मिलती है उसकी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 5 है। 5 संगीत इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, 5 साउंड ट्रैक्स, 5 संगीत के साथ यह मूवी कुल मिलाकर बनी हुई या फिर बनाई गई। तो कौन कौन सा संगीत है? पहला इस मूवी का जो गाना हमें देखने को मिलता है वो है घाने कुल छोड़ी वाला गाना भूमि त्रिवेदी का था, जो कि 3 मिनट और 35 सेकंड की लंबाई के साथ था। मूवी का दूसरा गाना था जीत, अब ये सिंगर इसके निधिता गांधी और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 4 मिनट और 08 सेकंड की रखी गई थी। तीसरा गाना था रनमा काउच वाला गाना सिंगर के तौर पर स्वरूप खान और मुरालाल मारवाड़ा के द्वारा गाया गया था और इस गाने को 3 मिनट और 47 सेकंड के गाया गया था। मूवी का जो अंतिम गाना था वो जिंदगी तेरे नाम ये गाना कुछ खास फेमस भी हुआ था और उसको अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था या फिर सिंगर थे वही। इसकी जो लंबाई देखने को मिलेगी वो थी 3 मिनट और 37 सेकंड की और टोटल लंबाई कुल मिलाकर हमें 15 सेकंड और 05 सेकंड की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मूवी के कुछ साउंड ट्रैक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।